मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, मंगलायतन विश्वविद्यालय में नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया जो कि 13 और 14 सितंबर को था, जिसको स्पॉन्सर्ड किया इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने यानी ICHR ने, और इसका विषय था द रोल ऑफ इंडियन विजुअल एंड परफॉर्मिंग इन प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल हेरिटेज यानी पारंपरिक विरासत के संरक्षण में भारतीय दृश्य और प्रदर्शन कला की भूमिका, और जिसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो जीवन में कई पद पर कार्यरत रही हैं, जैसे चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक की चेयरपर्सन रही हैं, इसके अलावा चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स की डीन भी रही हैं, जिनकी 4 बुक, 2 एडिटेड बुक्स, 56 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश भी हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो लगभग 150 लेक्चर्स कंडक्ट किए हुए हैं, और कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से म्यूजिक की कंट्रीब्यूशन के लिए मैम को ऑनर्ड किया गया है, और अवार्ड्स की बात करें तो संगीत विदुषी अवार्ड, श्रुति पुरस्कार अवार्ड से उनको नवाजा गया है उनकी बुक वैदिक म्यूजिक के लिए। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इस सेमिनार की कीनोट स्पीकर प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी की, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंकज माला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। नमस्कार यशिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मंगलायतन यूनिवर्सिटी के इस सेंटर पे मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया आपने कि मैं आपके इस ज्ञान सागर कार्यक्रम का हिस्सा बन सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और इसी के साथ, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग रही हैं, आपके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। कल्चरल म्यूजिक के साथ हमने अपने जीवन की या अपनी भारत माता की शुरुआत करी, वहीं बदलते समय में देखते हुए आज म्यूजिक ने नया रूप ले लिया है, मॉडर्न म्यूजिक के नाम से हम जानते हैं, लेकिन म्यूजिक में हमें वो क्या बदलाव करना चाहिए जिसे हम अपने कल्चर से जुड़ जाए। ये बहुत अच्छा, आज की ज्वलंत समस्या भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय भी है जी। क्योंकि जो हमारी परंपरा है जिसको हम विरासत कहते हैं, विरासत का मतलब है कि जो विशेष प्रकार से रिस रिस के हमारे पास पहुंची है, ओके, उसको विरासत कहा जाता है। तो ये संगीत हमारे पास साम गान से, फिर प्रबंध गायन, फिर जाति गायन, फिर ध्रुपद गायन और आज ख्याल गायन, और इसमें भी नाना प्रकार के विधाएं, गजल है, गीत है, भजन है, और यहाँ तक कि आज एक विधा फिल्म संगीत भी एक विधा बन गई। तो अब क्योंकि वैश्विक प्रभाव है तो पाश्चात्य संगीत भी हमारे संगीत के साथ जुड़ता हुआ सा दिखाई देता है और प्रभावित करता हुआ भी दिखाई देता है। तो बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका भारतीयकरण हो गया, जैसे गिटार है, जैसे वायलिन है, ये तो अपना बीथोवन वगैरह जो बजाते थे, लेकिन उसके साथ साथ जब भारतीयों ने अपनाया तो इसे भी भारतीय रंग दे दिया। आज एन राजम का नाम ले सकते हैं, तो ऐसे कला रामनाथन का नाम ले सकते हैं कि जिन्होंने विदेशी वाद्य को भी स्वदेशी बना करके राग उस पर प्रचलित कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो उपलब्धि है हमारी कि विदेश पर भी भारतीय संगीत कैसे हावी हो जाता है। लेकिन यंगर जनरेशन में गिटार पे ज्यादा फोकस किया जाता है, हाँ फोकस किया जाता है, और पॉपुलर साज है आज गिटार। तो हमारे कुछ एक कलाकार ऐसे हुए हैं जैसे विश्वमोहन भट्ट जी हैं, इन्होंने गिटार को भी राग में डाल करके मोहन वीणा का नाम दे दिया उसको। तो ये तो है कि हमने उनका भी भारतीयकरण कर दिया अपनी कला के माध्यम से, इतना प्रभाव है हमारे संगीत का जी। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो बच्ची नई जनरेशन है वो वेस्टर्न म्यूजिक की ट्यून्स की तरफ आकृष्ट अवश्य हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आज हम दोनों के बीच में झूलते हुए से हैं कि अपनी जनरेशन को, ऐसा नहीं है कि क्लासिकल के डिपार्टमेंट या क्लासिकल के बच्चे नहीं आ रहे हैं, और कई कई बच्चे तो हमारे फ्यूजन कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक को मिला करके उसका नया भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज आदान प्रदान का युग है,
हम बिल्कुल डिस्कार्ड किसी को नहीं कर सकते और बिल्कुल अपना भूल भी नहीं सकते। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू, दोनों का सामंजस्य बिठाना चाहिए, दोनों विधाओं में पारंगत हो करके दोनों के फर्क को भी समझना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम इतनी बारीकी से दोनों को जानेंगे तो, क्योंकि संगीत तो संगीत है, स्वर भी साथी है, लय भी वही, रिद्म भी वही है, तो तरीके तो हमारे अपने हिंदुस्तान में ही, आप देखिए कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल अलग है जिसको हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, दक्षिण भारतीय संगीत जो है कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है, तो अपने अपने हिंदुस्तान में ही बहुत वैरायटी है। तो अगर हम कहें कि सिर्फ विदेशी प्रभाव है तो हमें अपने हिंदुस्तान का भी अभी पूरा नहीं पता। एंड सबसे ऊपर सब्जेक्ट मैटर, हम क्या विषय गा रहे हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम इन विषयों की तरफ भी ध्यान दें, तो जो कि हमारी सोशल इंटीग्रेशन या वसुधैव कुटुंबकम या विश्व बंधुत्व, जो हमारे भारत के मैसेज को आगे फैलाने वाले हों, तो हमें किसी चीज़ से कोई परहेज नहीं करना चाहिए, हमें आलिंगन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए सब संस्कृतियों का, क्योंकि भारत जो है ये तो ज्ञान गंगा सागर है। तो जैसे सब नदियाँ समा सकती हैं, सब संस्कृतियाँ भी इसमें समा सकती हैं, लेकिन अपना अस्तित्व और अपना व्यक्तित्व बना रहना चाहिए। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही गहरी बात कही है मैम आपने। वहीं जिसे आज के स्टूडेंट्स हैं जो कि म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैं उनके लिए आपसे जानना चाहूंगी, क्लासिकल संगीत उनको क्या सीखना जरूरी है, या वो मॉडर्न म्यूजिक के साथ भी अपने करियर बना सकते हैं, या उनको कौन कौन से स्किल्स ऐसे अपनाने चाहिए जिससे वो म्यूजिक में अच्छा नाम हासिल कर सके, अपनी पहचान बना सके। आज प्रौद्योगिकी का युग है, इंटरनेट का युग है, AI भी एक चैलेंज है। बिल्कुल। तो ये चैलेंज नहीं है एक्चुअली, ये संगीत के विद्यार्थियों के लिए अपॉर्चुनिटीज है। अगर संगीत का विद्यार्थी कोई शॉर्टकट ढूंढता है जी, तो उसके हमें रिजल्ट भी शॉर्ट टर्म होंगे। एग्जैक्टली मैम। तो हमें गंभीर रूप से विचार करना चाहिए, क्लासिकल संगीत सबका बेस है, जो शास्त्रीय संगीत यानी कि जो शास्त्र, जो सिद्धांत के साथ जिसका जुड़ाव है, वो कुछ भी पैदा कर लेगा, कुछ भी क्रिएट कर। एग्जैक्टली। और मैं कहती हूँ कि शास्त्रीय संगीत क्यों, बल्कि हमें वैदिक संगीत सीखना चाहिए, मंत्र उच्चारण सीखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, उसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं, हमारे पर्वती संगीत में वही तो विकसित हुए हैं। और आज हम जैसे कॉर्ड्स की बात करते हैं या फ्यूजन की बात करते हैं, तो अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो एक नया एवेन्यू तैयार होता है, नए प्लेटफॉर्म तैयार होते हैं। जी। जहाँ तक रोजगार की बात है कि हम क्यों संगीत सीखें, तो आज जितनी अपॉर्चुनिटीज म्यूजिक के लिए हैं, मेरा ख्याल उतने एवेन्यूज किसी और चीज के लिए नहीं है। क्योंकि हर एक कोई भी कंपनी है, उसको अपना कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो एडवर्टाइजमेंट में, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक लेता है, चाहे वो गाने का कोई पीस लेता है, चाहे वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में धुन बना करके प्रस्तुत करना चाहता है। और आप देखिए वही एडवर्टाइजमेंट पावरफुल होता है जिसमें थोड़ा सा म्यूजिक का पुट होता है। एग्जैक्टली। और उन कलाकार जैसे जाकिर हुसैन का ने कह दिया वाह ताज, तो वो ताज ही बिकनी शुरू हो गई। हाँ। वो थोड़ा सा तबला बजाते हैं और उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट है। तो एक विज्ञापन की दुनिया में बहुत बड़ा स्कोप है बच्चों के लिए। फिर हम जो आज प्रोडक्शंस निकालते हैं, अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेशन संगीत की विधाओं के लिए नहीं हुई। जो भी बच्चा जिस विधा में अपने को पारंगत करना चाहता है, गजल हो, ठुमरी हो, ख्याल हो, ध्रुपद हो, धमार हो, तो वो जिसमें भी करना चाहता है, अगर वो उसकी कलेक्शन करना शुरू करता है या जिस घराने से वो सीखना चाहता है, तो उस घराने को ही वो महारत हासिल करके उसको वो प्रस्तुति भी करे लाइव और उसकी वो डॉक्यूमेंटेशन भी करे, तो हमारे ज्ञान के भंडार का एक संचय और एक संकलन भी तैयार होगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। गवर्नमेंट की नई पॉलिसी में इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया गया है। इंटरडिसिप्लिनरी अगर जब करते हैं तो अब म्यूज़िक
थेरेपी के साथ, मेडिसिन के साथ म्यूजिक है, म्यूजिक मेडिटेशन योग के साथ म्यूजिक है, म्यूजिक वास्तु शास्त्र के साथ म्यूजिक है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं होगी तो पुली गिर जाएगा। जी जी जी, है ना। मैथमेटिक्स के साथ म्यूजिक है। और फिर आप देखिए जो हमारे साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक के पास क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि हम म्यूजिक से नहीं जुड़े हुए। म्यूजिक या साइकेट्रिक भी बाद में जाके कहते हैं कि आप इस तरह का संगीत सुनो। तो संगीत के लिए अगर हम एक एक विधा को, एक एक क्षेत्र को अगर उद्घाटित करना शुरू करेंगे, तो मैं कहती हूँ कि जितने एवेन्यूज आज संगीत में हैं, तो उतने शायद ही किसी दूसरे विषय में होंगे। क्योंकि हमारा वैदिक ज्ञान जितना भी, चाहे वो कला है, चाहे वो शास्त्र है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो साइंस है, आर्ट्स है, वो सारा वेद में वैदिक संगीत, जो वैदिक मंत्र थे, वो सस्वर ही पाठ होता था उनका। तो वो, मैं अगर ये कहूँ कि वो संगीत के माध्यम से ही हमारा सब उसकी नॉलेज इम्पार्ट हुई है, पठन पाठन हुआ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए संगीत आज भी सर्वगामी है, सर्वविषयी है, तो उसको अपनाना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि संगीत जो है हमारी संस्कृति का, हमारी ज्ञान संपदा का एक महत्वपूर्ण घटक है। आज आप देखिए संस्कृत के लोग उतना श्लोक उच्चारण नहीं करते, आप संस्कृत के टीचर्स को भी देखिए, विद्यार्थियों को देखिए, लेकिन संगीत के लोग, अभी गणेश उत्सव जो हुआ है, आप देखिए गणेश स्तोत्र, वो स्तोत्र, गणेश वंदना, सरस्वती स्तोत्र, आप देखिए वो संस्कृत के, वो सारा गा गा करके उसको प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो संगीत का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, लेकिन उसके लिए तप भी बहुत जरूरी है, साधना भी बहुत जरूरी है, सीखना, अभ्यास करना और फिर उसको प्रेजेंट करना, ये आवश्यकता, मतलब सीरियसनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। Exactly. क्योंकि आपको इतना मंत्रों का और संस्कृत का ज्ञान है, चलते चलते एक मंत्र उसके अर्थ के साथ आप लोगों को संदेश में क्या कहना चाहोगे मंत्र के माध्यम से? तो गायत्री मंत्र की बात करते हैं, क्योंकि उससे हम सब लोग बहुत जानकार भी हैं। और हमारे यहाँ जो उपनयन संस्कार होता था, जब विद्यार्थी आचार्य के पास जाता था, तो 3 दिन उपवास के बाद पहला उसको जो लेसन दिया जाता था, वो गायत्री मंत्र दिया जाता था। तो कुछ उच्चारण करके आप, तो मैं पहले आपको 3 स्वर का उच्चारण बताती हूँ। तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये मंत्र है, लेकिन जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो उसमें ओंकार लगाते हैं, तो ओम भूर्भुवस्व, ये 3 व्यारितियां हैं। तो मतलब ओंकार मूल है, जहाँ से सब ज्ञान आता है, और भू पृथ्वी है, भूव अंतरिक्ष है, और स्व आदित्य लोग है। तो जो हम ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, वो सब लोगों का ज्ञान हमारे पास हो, ये है उसका। और फिर कहता है तत्सवितु, इस ज्ञान के लिए हम तत्सवितु वरेण्यम, हम उस सविता देवता यानी सूर्य देव की उपासना करते हैं। तो ज्ञान जो है हमारे प्रकाश का द्योतक है, उस सविता की हम उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, उसका हम वरण करते हैं, वरेण्यम। तो भर्गो देवस्य धीमहि, तो जो क्या है, जो सब तरह के, धी कहते हैं बुद्धि को, तो जो सब तरह की बुद्धि का भर्ग है, योनि है, ओरिजिनेटिंग सोर्स है, तो ऐसा वो सूर्य जो है धियो यो न प्रचोदयात, तो वो हमारी बुद्धियों को भी, अब यहाँ न शब्द है, न प्रयोग जो है ये वैदिक प्रयोग है, न मतलब टू अस, हमारे लिए। तो धियो यो, जो बुद्धियों को किसकी, न हमारी बुद्धियों को भी प्रचोदयात, प्रचोदयात शब्द है, चुद धातु है, टू इनवोक, कि हमें वो क्या करे, प्रेरित करे हमारे अंदर उस चीज को, वो ज्ञान को प्रज्वलित करने की जिज्ञासा पैदा, एनर्जी प्रोड्यूस करे, कि हम उसको लेने के वाले बने। तो इसलिए ये शब्द बड़ा अच्छा शब्द है, प्रचोदयात, मतलब हमें प्रवोक करे, हमें उस तरफ प्रेरित करे। डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा मैम आपने आज के सेशन का वर्णन किया। दोस्तों, दुनिया संगीत की दीवानी है, दुनिया संगीत की दीवानी है, हकीकत में यही जिंदगानी है। बहुत ही सटीक शब्दों में मैम ने संगीत के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज दी, साथ ही हमारा ज्ञान वर्धक किया, शिक्षा के बारे में भी हमें पता चला, संगीत की दुनिया के बारे में भी हमें पता चला। मैम आप रेडियो नारद से जुड़े और संगीत के विषय पर हमें इतनी सारी जानकारी दी आपने, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई
कि आपके माध्यम से ये मैसेज जिसका नाम ही यूनिवर्सिटी का मंगलायतन है और प्रोग्राम ज्ञान सागर है, तो इस मंगलायतन के इस मंच से ज्ञान सागर प्रोग्राम के माध्यम से अधिक विद्यार्थियों को, जिज्ञासुओं को, शोधार्थियों के पास पहुंचे, मेरा सौभाग्य है, मुझे प्रसन्नता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशिका जी, विशेष रूप से आपका इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करने के। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ दोस्तों अब मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी एक नए खास विषय को लेकर एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे यशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।